असी आ गए, हम भी पहले आए हैं। नहीं किटीज, एक्चुअली हम पहले थे प्री ऑर्डर करने के लिए। गर्ल्स शांत रहो और लाइन में आओ। फर्स्ट लॉरेन है। लॉरेन तुमने क्या ऑर्डर किया था? कनोपा, एक ब्राइट क्रिम्सन स्क्रंची लेटर्स के साथ। समझ आया, मैं पहली थी। ओके, मैं नेक्स्ट हूँ गर्ल्स। लॉरेन ये वाला? हाँ। कनोपा क्या उसने पे कर दिया? हाँ, लॉरेन ने पे कर दिया। ये रहा तुम्हारा स्क्रंची लॉरेन। ओह, इट्स ऑसम गर्ल्स, देखो डायना तुमने ये कहाँ से खरीदा? वो एक ट्रेड सीक्रेट है। और मेरा स्क्रंची आ गया? क्या तुम बहरी हो? नेक्स्ट मैं हूँ डायना। मेरे लेपर्ड स्क्रंचीज का क्या? हम फ्लफीज को कमेंट कर रहे थे। ओ किटीज, हमारे पास लेपर्ड स्क्रंचीज नहीं है। क्या? तो ताया, किटीज तुम्हारे स्क्रंचीज दो दिन में आ जाएंगे और तुम्हें फ्री क्लिप्स मिलेंगे इंतजार करने के लिए। ताया तुमने कौन सा स्क्रंची ऑर्डर किया था? एक वेलवेट वाला जिसमें बार्बी लिखा। और तो बार्बी नहीं है ताया। एक्चुअली मैं हूँ बार्बी। मिल गया, उसने पे किया है क्या? हाँ, उसने पे कर दिया। ताया वेयर इट प्राउडली। थैंक यू गर्ल्स। इन स्क्रंचीज को बेचकर हम कितना कमा रहे हैं? हम काफी कमा लेंगे। अभी किटीज और एशले भी है, उन्हें हर रोज नया स्क्रंची पहनना अच्छा लगता है। हर चीज स्क्रंची से स्टार्ट होती है। तुमने सुना, ऐसा लग रहा है एशले ने 100 से ज्यादा स्क्रंचीज। क्या हम अपने ऑर्डर 3 गुना कर दे? हमें 300 स्क्रंचीज चाहिए, हर एक 100। ओहो, श्योर किटीज, 300 स्क्रंचीज। तो मूडी, क्या ये तुम्हारा ऑर्डर है? ओए, मेरा बाबी डॉल वाला स्क्रंची। कनोपा, क्या मूडी ने पे किया? हाँ, पे कर दिया। गर्ल्स, हमारे पास अभी भी हेयर क्लिप्स बचे हैं और ये स्क्रंचीज से सस्ते हैं। जरा सोचो तो कितने सुंदर लगेंगे ये स्क्रंचीज विद हेयर क्लिप्स। इन्हें खरीद लो इससे पहले कि ये बिक जाए। हेयर क्लिप्स लेपर्ड वाले नहीं है, हम उन्हें नहीं लेंगे। किटीज, हमें हेयर क्लिप्स वास्ते थोड़े पैसे उधार दो ना। किटीज, गर्ल्स को खुश कर दो, उन्हें थोड़े पैसे दे दो। नो वे। बास्केटबॉल प्लेयर्स, अगर तुम्हें शाम से पहले पैसे मिल गए तो आ जाना अपने हेयर क्लिप्स के लिए। अगर एशली और गिगी ने सारे खरीद नहीं लिए तो ऑफ कोर्स हम स्टेला से मांग सकते हैं। या फिर टीचर माइक। ओए, हम बिग को पूछ सकते हैं, उसके पास तो उसके टिप्स जरूर होंगे। ऑलराइट गर्ल्स, 300 स्क्रंचीज हम हर दिन चेंज करेंगे। हाँ, हर रोज नया स्क्रंची पहनना कितना कूल होगा ना। And we are the coolest. Hey, संभाल कर। हेलो टीचर माइक। बिग गर्ल्स काम डाउन, हम एक्चुअली बंद कर रहे हैं। बिग, हम जानते तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और हमने तुम्हें टिप दिया था, तुम्हें याद है? क्या तू लौटा सकता है? क्या? हे गर्ल्स, टिप्स वापस नहीं मिल सकते। एक्चुअली जिकी, हमने तुम्हारे लिए भी पैसे रखे थे, हमें वो पैसे वापस चाहिए क्लिप्स के लिए। ऐसी कातिल हसीना दिखना चाहती हैं। हम ये क्लिप्स कहीं और से नहीं खरीद सकते। सुनो ब्यूटी क्वींस, अच्छा होगा तुम जाओ और जाके पैसे कमाने की कोशिश करो। हाँ, हम काम कर रहे हैं। टाइम पास बंद करो और जाके काम करो। ओके ओके, आज के बाद हम तुम्हारे लिए सिक्का भी नहीं रखेंगे, न तोड़े वास्ते न ही तोड़े वास्ते। हम टाइनर से कहेंगे कि वो तुम्हें स्क्रंचीज ना बेचे। ये स्क्रंचीज क्या हैं? बिग स्क्रंचीज बालों के लिए होते हैं, वो सुंदर होते हैं। हाय गर्ल्स। हाय बॉयज, इज योर ट्रेनिंग ओवर? हाँ, इट्स ओवर। तुम लोगों की सेल्स कैसी हैं? ग्रेट, तुम्हारी गर्ल्स अब बिजनेस वुमन है। बॉयज, तुम लोग लकी हो, हम सिर्फ सुंदर नहीं है, हमें पैसा कमाना भी आता है। बहुत सारे पैसे फॉर दैट मैटर। बॉयज, ये तो अनरियल सक्सेस क्रंचीज हैं। सारी गर्ल्स को ये क्रंचीज बहुत पसंद आए, यहाँ तक कि किटीज को भी, उन्हें लेपर्ड प्रिंट में चाहिए लेकिन पिंक में। हर कोई हमारे जैसा दिखना चाहता है। लाइक बन। कनोपा, क्या तुम्हारे पास नई गाड़ी के लिए इतने पैसे हैं? Are you kidding? मैं नए शूज के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। थॉमस, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो सेलिंग होलसेल में कर रहे हैं। शुरुआत है एक छोटे से बॉक्स के साथ और फिर हम होलसेल प्रोडक्ट्स बेचेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। कमिंग सून, बनी बिलियनेयर्स। हाँ बॉयज, बस सोचो तुम लोग कितने लकी हो। बिलियनेयर नास्तिया, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। अरे रहन दो, तुम उसे बिलियनेयर होने के कारण प्यार थोड़ी करते हो। क्यों? गर्ल्स यो ना भूलो, मैं तुम्हारा मैस्कॉट हूँ, मुझे कुछ मिलियंस दोगे? आराम से, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हम सबके लिए गिफ्ट्स बनाएंगे। वी आर काइंड गर्ल्स। अंधेरा हो रहा है, हमारी लास्ट क्लास है। लेट्स गो गर्ल्स, चलते हैं ऑलमोस्ट बिलियनेयर्स। हमें यह उपेक्षित चिड़ियाघर अभी कुछ समय पहले ही मिला है। वहाँ मौजूद जानवरों को सच में हमारी मदद की जरूरत है। इन बेचारे जानवरों को बचाने और उनके लिए सहज आवास बनाने में हमारी मदद करें। हमारा गेम डाउनलोड करें और आइए काम पर लग जाइए। पांडा, शेरों और हाथियों को हमारी मदद की जरूरत है। दाना, तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे लिए एक लेटर है। दाना, अब तुम हेड गर्ल हो और अगर कोई मिसबिहेव करता है तो तुम्हें उसे सजा देनी होगी। ओके, मैं ये पढ़ लूंगी। हेलो एवरीवन, दाना तुम्हारे हेयर क्लिप्स आ गए हैं। क्लासरूम में मिलते हैं गर्ल्स। बाय बॉयज, सी यू। दाना, बहुत जल्दी हम बिलियनेयर्स होंगे। सेल्स हमारी उम्मीद से भी अच्छे जा रहे हैं।
कूल गर्ल्स, मेरे लिए एक लेटर आए, हो सकता मैंने कुछ गलत किया। डोंट बी अपसेट डाना, मुझे पूरा यकीन है तुम कामयाब जरूर होगी। क्या तुम हमारे साथ स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स बेचना चाहते हो? हम जितने ज्यादा बेचेंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। चलो एक साथ बिलियनर्स बने। ओके गर्ल्स, आई एम इन। तो अमीर जादों अब तुम्हारी क्लास भी है। ओके मिस्टर माइक, जल्द ही हम अपने क्लास में सीख लेंगे काउंट करना बिलियंस। क्या तुमने सुना, हम उनकी स्क्रंचीज खरीद रहे हैं और वो लोग बिलियनर्स बन रहे हैं। हाँ, हमारे पैसों से। तो फिर हमें ऑर्डर कैंसिल कर देना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स बेचने होंगे बिलियनर बनने के लिए। हाँ, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये हमारा ट्रेड सीक्रेट होगा। लेकिन फिर हमें स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स कहाँ मिलेंगे? ये तो मुश्किल सवाल है। हम पता करेंगे वो लोग कहाँ से खरीदते और हम भी वहीं से खरीदेंगे। Brilliant idea. कोई मुश्किल नहीं। Kitty's the billionaires. वाह, सुनने में कितना कूल लग रहा है। तुम देख लेना, हम कामयाब होंगे। हाँ, वाकई है, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों शांत हो जाओ, ये आज की आखिरी क्लास है। सब शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ, ठीक है? ठीक है। ओ मिस्टर माइक, वो कलर्ड स्टिकर्स क्या है? हम सब क्या आज कलर सीखने वाले हैं? आई थिंक हम वो किंडरगार्टन में सीख चुके हैं। ब्लू मेरा फेवरेट है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें पिंक अच्छा नहीं लगता? तो दोस्तों, मैंने तुम्हारे नाम और तुम्हारे टीम के नाम हर स्टिकर पर लिखे हैं। तो बनीस पिंक स्टिकर, तुमने पूरा वीक अच्छा बिहेव किया। स्माइल, इसने सारा कचरा इकट्ठा किया। स्माइल, तुम्हारा बैज कहाँ है? ओ, मैं उसे घर छोड़ा है, घर पे भूल गया। स्माइल, अपना बैज पहनो, भूलना मत कि कचरा उठाने वाले भी बहुत प्रेस्टीजियस होते हैं। अब लॉरेन, ऑरेंज स्टिकर। ऑरेंज स्टिकर का क्या मतलब है? कुछ भी अच्छा नहीं, ऑरेंज का मतलब है SOS। लॉरेन, तुमने इस सप्ताह 3 क्लास में बाधा डाली, अब अच्छा बिहेव करना वरना लाल स्टिकर मिलेगा, मतलब कि तुम एकेडमी से बाहर निकाल दी जाओगी। लॉरेन, अपनी भूल कबूल कर, तूने लेसन डिस्टर्ब किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। मिस्टर माइक, येलो स्टिकर पे स्टेला है, इसका मतलब क्या है? येलो स्टिकर का मतलब है कि किसी ने अपना स्कॉलरशिप एडवांस ले लिया है। बास्केटबॉलर्स, तुम्हारा स्टिकर पीला रंग का है। ओह बॉयज, कर्जे में जा रहे हैं। वेल, हम तुम्हें मूवीज ले गए थे। गाइस, आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट मेकिंग मनी, क्योंकि बिलियनेयर गर्ल्स कभी भी पुअर गाइस को डेट नहीं करने वाली। बॉयज, हमें देखो, हम गर्ल्स हैं और हम ऑलरेडी अपने 1 बिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। गर्ल्स, डिंगे मारना। हाँ, ये हमें परेशान कर रही है। दाना, किटी से कहो कि वे अच्छे से नहीं थे, इसलिए उन्हें जल्दी ही ऑरेंज स्टिकर मिलेगा। दाना, तुम पिंक स्टिकर में क्यों? दाना पिंक स्टिकर पर है, बहुत बढ़िया दाना। वैसे तुम वो लेटर पढ़ना मत भूलना। अब बुलडॉग्स, तुम ऑरेंज स्टिकर पर हो। वैसे मैं सोच में था कि तुम्हें ऑरेंज दूं या लाल। मैंने लगता है बुलडॉग्स को लगाना चाहिए अपने माथे पर रेड स्टिकर। तुम लोग क्या हंस रहे हो, हम लोग रेड स्टिकर के पास हैं। तुम्हारी वजह से लॉरेन। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको अच्छे से बिहेव करना होगा वरना आपको एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। अगर हमें बाहर निकाल दिया गया तो बनी के स्क्रंचेस कौन खरीदेगा? ओ लॉरेन, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अलावा और भी गर्ल्स हैं। हम ऑनलाइन सेल्स पे लॉन्च करें तो हमें डराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग ऑरेंज स्टिकर पर हैं, वो लोग इसे और भी सीरियसली लें। स्माइल, तुम एक स्लाई हो, तुमने कहा अगर बास्केटबॉल प्लेयर्स गार्बेज इकट्ठा नहीं करेंगे तो तुम भी नहीं करोगे। हाँ, फिर मेरा विचार बदल गया। क्या तुमने ये बैज धोखे से लिया है? ये सब हमारे साथ नहीं चलेगा, हम क्लास के बाद बात करेंगे। ओह हाँ, गाइस अपना मुंह बंद रखो, मैं उन्हें बता दूंगा मुझे कैसा गार्बेज मिला। और हाँ, तुम लोगों ये गार्बेज। ऐसी हिम्मत मत करना, अभी कुछ मत बोलो। स्माइल ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। हाँ, वो हमेशा कहता है हम एक टीम है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सच में तो अगर तुम लोगों को बात ही करना है तो मैं परेशान नहीं करूँगा। गाइस, मिस्टर माइक पढ़ा रहे हैं, सब खामोश रहो ना। थैंक यू डायना, चलो अब शुरू करते हैं। तुम सबको पहले एक तकिया ड्रॉ करना होगा। पिलो, लेट्स ड्रॉ पिलो। किसके पास मार्कर है? मेरे पास से डायना, तुम्हें कौन सा कलर चाहिए? ब्लू वाला। हे सुनो, डायना को भी ब्लू बहुत पसंद है। थॉमस, तुम अपना ब्लू रंग यहाँ से लेकर चले जाओ। गाइस, अपने च्युइंगम टेबल के नीचे मत चिपकाना, बिग थोड़ी देर में घूमेगा और चेक करेगा। देख, अगर तुम्हें टेबल के नीचे च्युइंगम मिले तो उसे अपने मुंह में मत डालना, वरना तुम्हें बैक्टीरिया लग जाएगा और स्टोमेटाइटिस हो जाएगा, समझे? ओके, गॉट इट। हाँ ठीक है। बिग सारी रात गम चबाता रहेगा। बुलडॉग्स, तुम्हारे बिहेवियर डिस्गस्टिंग है, निकलो यहाँ से। बॉन एप्पेटीट एवरीवन। क्या तुमने देखा बिग वहाँ टेबल के नीचे गम से? हाँ, अपन तैयार है।
बिग, अगर तुम वो च्युइंगम्स खा लोगे तो मैं तुम्हें दोबारा किस नहीं करूंगी। गिगी कुछ यम्मी लेकर आओ, हमारी लाइफस्टाइल अब लावश है। गाइस बाय द वे हम स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स बेच रहे हैं तो तुम प्री ऑर्डर कर सकते हो। पिंक लेपर्ड स्क्रंचीज एंड हेयर क्लिप्स, मैंने पहले ही बनीज को ऑर्डर दे दिया। हाँ, मैं अपने बाल बांधने वाला लूंगा। ये धोखा देंगे, तुमसे पैसे लेकर तुम्हारा सामान भी नहीं देंगे। वो किटीज है। किटीज बिलियनर्स बनने के लिए तुम्हें क्लासेस स्किप करना बंद करना होगा। अभी कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस स्किप किया जा सकता है। हमारी जूम पे बिजनेस मीटिंग है, हमें रबर बैंड्स के मैन्युफैक्चरर से बात करनी है। मैन्युफैक्चरर्स और क्लाइंट्स, अपनी रबर की चीजें बेचना बंद करो प्लीज। गाइस इन्हें चबाते हैं और टेबल के नीचे चिपका देते हैं। और फिर मैं उसे चबाता हूं। और नहीं, मैं स्टार्टअप के अगेंस्ट हूं। इससे क्या हो गया है? रबर मींस हेयर बैंड्स, च्युइंग गम नहीं। ओ, मैंने गलत समझ लिया। जी, क्या तुम्हें स्क्रंची चाहिए? हाँ बे, क्यों नहीं। हमारे फर्स्ट क्लाइंट आ गया। कौन सा वाले लोगे बे? पिंक लेपर्ड, फ्लफी पिंक लेपर्ड, सैटिन पिंक लेपर्ड। गर्ल्स, मैं भी स्क्रंचीज खरीदूंगी पिंक लेपर्ड। जस्ट क्लास स्किप मत करो। वी हमारे पास ऑलरेडी सेकंड क्लाइंट। वाओ, इतने छोटे कैफे में उन्हें दो क्लाइंट मिले। यही सक्सेस का तरीका है। मैं समझी नहीं, मेरी डायरी यहाँ पर क्यों पड़ी है? डायना, तुमने लास्ट टाइम इसे यहाँ छोड़ दिया था। मैं इसे ढूंढ रही थी, व्हाट इफ किसी ने ये पढ़ लिया। गर्ल्स, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मैं ये बाहर भूल गई हूँ? डायना, यहाँ कोई नहीं आया था, यहाँ ट्रेनिंग हॉल में कैमरा है। ओ डायना, मैंने अभी नोटिस किया तुमने और डायना ने सेम शूज पहने हैं। हाँ, मैंने कल खरीदा। डायना, तुम इतने हाई हील्स नहीं पहन सकती। डायना, तुम पहन सकती हो और मैं नहीं, मुझे हाई हील्स पहनना पसंद है। डायना, तुम दोनों बहने हो। ऑलराइट गर्ल्स, हमें अपने सारे विशेस लिखने होंगे। मेरी विश है के बहुत जल्द हम सब बन जाएं बिलियनर्स। डायना, मेरी भी यही विश है और मैंने भी डायरी में लिखा है। डायना, हम बहने हैं और हमारे पास सेम शूज भी हैं। अभी हम स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स बेच रहे हैं और बहुत जल्दी हम तुम्हारा क्लोथिंग ब्रांड बेचेंगे डायना। हाँ, विल बी रिच। हेलो बानीज, प्री ऑर्डर करना चाहोगी? लग रहा है हमारे पास कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं। तुम क्या बेच रही हो किटीज? बस स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स मत कहना गर्ल्स प्लीज। हाँ, स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स। तुमने कैसे गेस किया? लेपर्ड वंस। हमारे प्रोडक्ट्स तुमसे अलग हैं। वाओ, व्हाट अ क्रिएटिव चॉइस। तुम हमें कॉपी क्यों कर रही हो किटीज? इसके बदले कैंडीज बेच लो। पर स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स क्यों? क्योंकि शायद अकादमी में बहुत सारी लड़कियां हैं और हमारा एक सपना है टू बिकम बिलियनर्स। हमने ये अपनी डायरीज में लिखा है। हाउ क्यूट किटीज। फिर से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी नहीं कर रहे हैं। बात बस ये है कि आइडिया स्पेस में टकराते हैं। हाँ, तुम्हारे आइडिया हमारे आइडिया से टकरा गए और ये रही हम बिलियनर्स बनने की राह पर। किटीज, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारे आइडिया सिर्फ हमारे आइडिया से क्यों टकराते, किसी और से क्यों नहीं? हाँ, तुमने स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स ही बेचने का फैसला क्यों किया? समझ गई, शायद इसलिए क्योंकि हमारे आइडियाज जीनियस हैं और वो हवा में उड़ते रहते हैं और हर कोई इसे पकड़ रहा है। तुम जीनियस हो, हम जीनियस हैं। ऐसा होता है गर्ल्स, आइडियाज फ्लोट। कूल, जान के अच्छा लगा। दैट्स अ डंब एक्सप्लेनेशन किटीज। मैं बस तुम्हें इतना बता दूं कि हम सब कुछ इतना कूल करेंगे कि तुम्हारे स्क्रंचीज की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। ये याद रखना और कुछ और आइडिया ढूंढ लेना। नहीं, हम स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स बेचेंगे, याद रखना ये। गर्ल्स, ऐसा बस मुझे लग रहा है अब टाइम आ गया हम थोड़े से बुरे बन जाए। नास्ता क्या मतलब? आई गॉट इट, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू बी अ लिटिल बिट टफर। गर्ल्स डोंट वरी, स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे वाला बेस्ट होगा। हाँ डायना, यू आर राइट। गाइस, तुम्हें पता क्या होने वाला है अगर वो गर्ल्स बिलियनर्स बन जाए? क्या होगा? वो हमें छोड़ देंगी। क्या, तो हम क्या करेंगे? हमें भी एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। हम बनी लड़कियों से पीछे नहीं रहेंगे, तो क्या हम भी हेयर क्लिप्स और स्क्रंचीज बेचें? पागल हो गए हो? तो फिर क्या हम क्या बेचेंगे? मेरे पास एक आइडिया है गाइस, कोई भी इसे बेचने की सोचेगा नहीं। बताओ क्या है? बाल के केसेस। स्माइल, मुझे नहीं लगता कि हम केसेस बेचकर पैसा कमा पाएंगे। ये केसेस पे डिपेंड करता है, वो स्पेशल होने चाहिए, हम उन पे ऑटोग्राफ दे देंगे। हाँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हर आदमी कम से कम एक केस या फिर शायद दो केस तो खरीदेगा ही। अच्छा दोस्तों, तुम्हें स्मेल आ रही है? अमीर बनने की खुशबू। बिलियनियर्स। क्या तुमने सुना, वो भी बिलियनियर्स बनना चाहते हैं? असी रह गएंगे। ओके, हम क्या बेचेंगे? पोस्ट कार्ड।
हमारे किसेस के साथ? लॉरेन, उन्हें कौन खरीदेगा? हर कोई। क्या तुमने मेरे लिप्स देखे? हर कोई ऐसा कार्ड खरीदेगा। गर्ल्स, क्या तुम उन्हें सूंघ सकते हो? नहीं, इसमें अमीरी की स्मेल आ रही है। स्मेल्स लाइक बिलियनेयर्स। ओके गर्ल्स, बहुत जल्दी हम समझ जाएंगे बिलियनर्स के खुशबू कैसी होती है, क्योंकि हम बिलियनर बन जाएंगे। गर्ल्स, हम क्या करेंगे? अब अचानक हर कोई बिलियनर बनना चाहता है। ओह माय गॉड, मैंने अभी अभी पढ़ा कि बास्केटबॉल प्लेयर्स भी कुछ बेचने वाले हैं। डैम गर्ल्स, कूल। गर्ल्स, हम इतने कामयाब हैं कि हर कोई हमारे जैसा बनना चाहता है। ऑलराइट गर्ल्स, हम अब और स्क्रंचीज और हेयर क्लिप्स नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ मेरा ब्रांड ही बेचेंगे। वो ऐसा कुछ है जो वो कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, चलो देखते हैं सबसे पहले बिलियनर्स कौन बनेगा। मैं ऑलरेडी गेस कर सकती हूँ कि सबसे पहले बिलियनर कौन बनेगा। गर्ल्स, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग आवर प्लान। बनीज कामयाब होंगी। हाँ, बनीज कर सकते हैं। गाइस, क्या आप मेरे क्लोथिंग ब्रांड का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में लिखिएगा। वीडियो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल आइकन और वेट कीजिए हमारे कूल सीरीज का। मिलते हैं आप सबसे जल्द ही। बाय।